अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब से प्यारे से फैमिली, क्या हाल चाल है सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। सो आज मैं जा रही हूँ, मेहंदी का डे है तो मैं जल्दी जल्दी से रेडी हो गई थी क्योंकि लेट ज़्यादा हो गया था। अम्मी बोल रही थी जल्दी जाओ वेल, वहाँ पे लेट कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ गेस्ट नहीं आए थे, बट अम्मी को बहुत जल्दी थी कि जल्दी जाएँ, बस लेट हो गया। आपको ऐसा होता है, हर मम्मा ऐसी होती है, बस बोलती है जल्दी जाओ, लेट हो गया। तो उसके लिए मैंने ना अपना कुछ ठीक से कुछ पहना भी नहीं, रिंग्स भी नहीं पहनी, बस जल्दी जल्दी से निकल गई। वेल मैं तो ज़्यादा कम ही रिंग्स पहनती हूँ, और ये मेरा शरारा है जो नीचे से कुछ ब्लैक कलर का है और इतना फूका हुआ है, मैंने इतना समेटा है इसको कि गाड़ी में तो अंदर से बैठ जाऊँ ना। तो मेरे साथ मेरा कज़न बैठा हुआ था, तो फाइनली मैं उधर पहुँच गई थी। तो मैं अपना लुक दिखा रही हूँ कि मेरा लुक ये था, गोल्डन शर्ट थी, ब्लैक शरारा था, और ये जो सामने है मेरी सिस्टर है, उसका ये ब्यूटीफुल प्यारा सा ड्रेस है माशाल्लाह, बट बहुत ज़्यादा हैवी है। मुझे इतने हैवी ड्रेसेस पसंद बिल्कुल भी नहीं, जैसे आप ही को पहने हुए बहुत ड्रेस हैवी, दुपट्टा हैवी, सो मेरे से ना हो पाएगा। तो बस ये मैंने पहना था, और ये वाइट कलर का हयात ने पहना है। वेल मैं इसका लुक हयात का पूरा आपको दिखाती हूँ कि हयात का लुक कैसा है। इससे रेड शर्ट की थी और वाइट शरारा, ठीक है ना, तो ये बहुत ज़्यादा माशाल्लाह प्यारा लग रहा था। बट इसने आगे जाके इसको शरारे के साथ इसने क्या किया, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इसने क्या किया है। ये बहुत गंदी लड़की है, बस ये कुछ चीज़ों की ना ख्याल नहीं रखती, सफाई नहीं रखती, इतनी गंदी लड़की है। तो इधर हम यहाँ पहुँच गए थे, तो इधर हम लोगों ने इस तरह से घर को डेकोरेट किया था। वेल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिशें होती है, माशाल्लाह अल्लाह इनकी खुश है, ऐसे ही आबाद रखे अपना घर। तो इधर हो रहा था डांस, मुझे शदीद वाली कहीं भूख लग गई थी ना कसम से, इतनी मैं ना डांस नहीं की बट मुझे भूख ज़्यादा लग गई क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो मैंने डांस तो कम ही की। तो उसके बाद ये भाभी राइस लेके आई थी, तो मैं बस उधर ही शुरू हो गई मैं उसके साथ खाना, क्योंकि भूख ज़्यादा लगी थी, और हमारे भूख ऐसे होते बस आँखों को होती है, अम्मी बोलती है बस। तो इधर हम जल्दी से फटाफट से मैं खा लेती हूँ, देन उसके बाद गेस्ट भी यहाँ पर बहुत सारे थे। अभी ने रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, तो ये बस अभी भी नहीं, ये झुमके उतार दिए मैंने खाना खाने के बाद, क्योंकि मेरे को झुमके कोई सूट ही नहीं कर रहे थे। किस बात पे मैं पहनती हूँ, माया पे मैं पहने, मेरे कान दुख गए, और ये मैंने 5 मिनट बस क्या पहने हैं, मेरे कान बस बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, तो मैंने सोचा बस उतार देते हैं पहले। मेरे को ये बात बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है, जो मेरे को तकलीफ़ चीज़ करे ना वो मैं बिल्कुल भी 5 मिनट नहीं पहनती, क्योंकि चाहे वो बड़ा फंक्शन क्यों ना हो, बट जो मुझे सुकून में नहीं मिलेगा वो चीज़ मैं नहीं करती, नहीं तो कोई पहना होता है ना। कैसी हो, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा तुमने वो, मैंने एक सेम ड्रेस पहनी है ना, सेम कलर है, अपनी ड्रेस दिखाओ, वाओ अपनी पंपी दिखाओ, नाइस, किधर से ली? हाँ अच्छा, जानी की दुकान से। अच्छा बाल दिखाएं, अपनी बाल कैसे बने, वाओ नाइस, यू आर सो प्रिटी, नाइस नाइस। खाने के बाद हमने टी इंजॉय की, वेल में की बिल्कुल भी नहीं पी थी, पर मैंने इसलिए पी क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, पॉलिश उतर गई है, ये मसला था कि मैंने सब मेहंदी लगाई, मेकअप किया, तो बस ये बेड़ा गर्क हो जाना है मेरा, बस खुद को तैयार किया जल्दी जल्दी से यहाँ पर आए। वेल ऐसा होता रहता है, यहाँ पे मेहंदी चल रही है, ज़्यादा शोर शराब होता है ना, वैसे कुछ भी नहीं हुआ था, नॉर्मली मेहंदी हुई थी जैसे कि करते हैं, ठीक है ना,
मेल हर किसी के अपने अपने हिसाब से होती है, हर किसी की अपनी मर्जी होती है, कोई बड़ी करे छोटी करे। मेल अल्लाह हर किसी के घर में बस ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ भी नसीब करे। आमीन सुम आमीन। चलो उठा लो उठा लो। अभी हम वहाँ उनके घर पहुँच गए थे, तो अभी हम घर जाने की तैयारी कर रहे थे। आपका सैंडल वेल पहनना था, मैंने उसको ताकि दे दिया। देन उसके बाद अभी हम घर पहुँच गए थे, तो ये कज़न वाले जा रहे थे और ये ऑलमोस्ट घर पहुँच गए। गर्क जो उसने किया है ना, मैं आपको दिखाती हूँ वेल। तो अभी मैंने सोचा मैं भुका उतार लेती हूँ, बट ऊपर से इसने लड़की ने ख़राब कर दिया अपना जो फिराक है ना। है तुम नहीं इधर यार, नज़र खा रहे या मारे पता नहीं क्या लग गया था। टी लगी है ख्याल से, टी है ना। टी हाँ, तो नशा ही लोगे तो फिर पियेंगे तो यही हाल होगा ना। मैंने बाहर से हंडी मंगवाई थी, अम्मी यार ने खाना बाहर से खाया था, तो ये उन लोगों ने हमारे लिए भी कमेंट्स रख दिया था सालन। तो हम आए, हमको इतनी भूख नहीं थी, फिर भी हमने सोचा खा लेते हैं क्योंकि अम्मी ने रखा है। तो बस अम्मी यहाँ पे खा रहे थे, मैं और हयात थे। टाइम ज़्यादा लेट ही हो गया था, बस क्या करें, बस शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके हम खाना खाएंगे। उसके बाद मुझे ड्रेस सेट करनी है, बस ये मैंने सोचा कर लेती हूँ, फिर मैंने नहीं कर पाई। फिर देन उसके बाद मैं सोच जाऊँगी कि टाइम ज़्यादा हो गया और बहुत थक भी गए हैं, बस इसकी वजह से। ये लोग यहीं पर ऐड करती हूँ, मिलते रहेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।